so the next topic that we are going to discuss is website publishing okay so we will discuss it uh, further so first we will discuss about the website hosting services okay so what are website hosting services basically uh, you need to uh, means adopt a tool for website designing okay and you need to You need to adopt uh, uh, web web hosting hosting services also. Okay, so So what is this uh, web hosting basically? So web hosting services are basically the plot of internet land that your website storefront sits on. ठीक है तो आपने वेबसाइट डिजाइन करवा ली डिजाइन कराने के बाद आपको उसको रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए तो दैट इज बेसिकली द वेब होस्टिंग सर्विसेज सो इफ यू हैव अ वेबसाइट इट नीड्स टू बी ऑन द वेब ठीक है किसी एक पर्टिकुलर डोमेन नेम के थ्रू वो आप कह सकते हैं इंटरनेट वर्ल्ड में होगी ठीक है और उसको यूजर्स एक्सेस कर सके तो लॉट मनी सर्विसेज आर देयर जैसे एस इंजन ऑप्टिमाइजेशन है और भी सर्विसेज हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं ठीक है इवन आजकल आप एड दे सकते हैं और इवन मार्केटिंग का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये सब सर्विसेज अवेल करने के लिए आपको एक वेब होस्ट की जरूरत है ठीक है तो वो सर्विसेज आप इन वेब होस्टिंग सर्विसेज जो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू अवेल कर सकते हैं सो इफ यू हैव अ वेबसाइट इट नीड्स टू बी ऑन द वेब एंड दीस होस्टिंग सर्विसेज आर द लैंडलॉर्ड्स दैट पुट अप योर साइट एंड कीप इट रनिंग सो योर कस्टमर्स कैन एक्सेस एंड सी इट व्हेन दे टाइप इन योर यूआरएल ठीक है तो जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या है कि जो आपका वेबसाइट है ठीक है वो कहीं ना कहीं आपने बिलियंस बिलियंस इवन कह सकते हैं ऑफ वेब पेजेस आर देयर ठीक है अक्रॉस द वर्ल्ड अब उनमें से आपको किस तरीके से अपनी वेबसाइट को ऊपर लाना है तो आपको कहीं ना कहीं इन सर्विसेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा ठीक है अपना जो बिजनेस है मेन कीवर्ड है उसके थ्रू आपको अपना डोमेन नेम रजिस्टर करना पड़ेगा तो इन सब के लिए आपको इंटरनेट वर्ल्ड में उसे लॉन्च करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इन वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करना होगा ठीक है तो दैट इज दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस वेबसाइट पब्लिशिंग मींस हाउ टू पब्लिश इट इन द इंटरनेट वर्ल्ड ठीक है उस वेब पेज को हम किस तरीके से इंटरनेट में ले जाएं तो उसके लिए हमें वेबसाइट होस्टिंग सर्विसेज को यूज करना होगा ओके okay? तो हियर इट इज रिटन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ होस्टिंग सर्विसेज दैट

Uh, किसी और uh, uh, कह सकते हैं किसी और वेंडर को आपको वेंडर uh, की सर्विसेज को अडोप्ट करने की जरूरत है तो वो कहीं ना कहीं हम देखें तो वो इन वेब होस्टिंग सर्विसेज के थ्रू यू कैन एडॉप्ट ओके चलिए तो नेक्स्ट इज वेब होस्टिंग कंपनीज विल बिल्ट योर एंटायर वेबसाइट वाइल अदर विल जस्ट गिव यू प्लॉट ऑफ लैंड एंड सोवेल एंड लीव यू टू इट ठीक है तो बेसिकली आपकी नीड के हिसाब से है कि आपको इन वेब होस्टिंग सर्विसेज जो भी वेबसाइट डिजाइनिंग की जरूरत है वेबसाइट पब्लिशिंग की जरूरत है या दोनों की जरूरत है तो उस तरीके से आप वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं तो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस मॉडल एंड साइज यू विल चूज अ होस्टिंग कंपनी बेस्ड ऑन द फैक्टर्स एक्सप्लेन बिलो एंड वंस यू अंडरस्टैंड द टर्मोलॉजी यू कैन वेट फैक्टर एंड सेलेक्ट द सर्विस दैट वर्क्स बेस्ट फॉर योर कंपनीज नीड ठीक है तो ये मतलब आप अपनी कंपनी की नीड के हिसाब से इवन आप अपने इंडिविजुअल की नीड के हिसाब से यू कैन चूज द वेब होस्टिंग सर्विसेज जैसे एक डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन या होस्टिंग के लिए सर्विसेज आपका उसको आप चूज कर सकते हैं ठीक है अक्सर उसका एड भी आता रहता है ठीक है तो उसमें क्या है कि आपने कोई वेबसाइट बनाई और उसको आप चाहते हैं कि लॉन्च करना तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और भी अभी मैं बहुत सारे प्लेयर्स की बात करूंगा जो इस फील्ड में हैं और वेब होस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं ठीक है इवन मैंने रेफरेंसेज में आप देखिए तो बहुत सारे ब्लॉग्स को भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है तो टॉप टेन टॉप ट्वेंटी करके उसमें मेंशन किया हुआ है और वो वेब होस्टिंग सर्विसेज कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो भी आप देख सकते हैं ठीक है क्योंकि हर एक जो वेब होस्टिंग प्लेटफॉर्म है उसके अपने अलग अलग यूएसपीज हैं तो उन यूएसपीज को भी जाकर के आप वहां पर एक्सेस कर सकते हैं ठीक है तो दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेब होस्टिंग सर्विसेज इफ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू मे आस्क